नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पंजाब से जुड़े बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार, नकोदर के श्री शंकर गांव का है चौथा आरोपी। जिशान अख्तर के नाम से हुई चौथे आरोपी की पहचान। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव, 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी भाजपा। तय करिए नए प्रत्याशी, नए सहयोगी को मिलेगी एक सीट। बहराइच हिंसा से माहौल तनावपूर्ण, घर पहुंचा मृतक का शव, दुकानें स्कूल सब बंद, क्षेत्र में अघोषित कर्फ्यू के हालात। और अब समाचार विस्तार से। मुंबई में गत दिवस एनसीपी अजीत गुट के नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले के तार अब पंजाब के जिला जालंधर से जुड़ गए हैं। इस हत्याकांड में पुलिस ने जिस चौथे आरोपी की पहचान की है वह जिशान अख्तर है, जो जून महीने में पटियाला जेल से बाहर आया था और वह बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया था। और बता दें कि इस हत्याकांड को 3 शूटरों ने अंजाम दिया था। इस केस में पुलिस 2 आरोपियों को हरियाणा के कैथल जिले के गुरमेल सिंह और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के धर्मराज को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि इनका तीसरा साथी यूपी निवासी शिव कुमार अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। चौथे आरोपी जिशान की उम्र 21 साल बताई जा रही है तथा 2022 में उसका विदेशी नंबर पर व्हाट्सएप चलता पकड़ा गया था। जिशान ने नकोदर के श्री शंकर गांव में स्थित सरकारी स्कूल से सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है और वह जेल से निकलने के बाद शूटरों के साथ मुंबई रवाना हो गया था। ऐसा माना जाता है कि जिशान बाहर से तीनों शूटरों को निर्देश दे रहा था। उसने शूटिंग के समय सिद्दीकी के स्थान के बारे में उन्हें जानकारी दी और किराए के कमरे की व्यवस्था करने सहित रसद सहायता भी उपलब्ध कराई। वारदात के बाद जिशान वहाँ से भाग निकला था। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हुई हाई लेवल बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन गई है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है, साथ ही इन सीटों के लिए 9 प्रत्याशियों के नामों को भी फाइनल कर दिया है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। उपचुनाव में चाहते समीकरण को देखते हुए नए चेहरे को उतारने की भी संभावना है। बैठक में मीरापुर सीट को रालोद को देने की पर सहमति बनी है और यह 2022 में भी रालोद यहाँ से थी, जबकि 9 सीटों पर भाजपा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। 20 अक्टूबर तक या इससे पहले अधिसूचना जारी होने की संभावना है। बता दें कि यूपी के करहल सीट, कटहरी, मीरापुर, मिल्कीपुर, गाजियाबाद, मंजवा विधानसभा सीट और खैर सीट, फूलपुर, कुंद्रकी और सीसामो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। और उधर कटहरी और मंजवा सीटों पर दावेदारी करने वाले संजय निषाद को मनाने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सौंप दी गई है। दरअसल इन दोनों सीटों पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने दावा कर रखा है। एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। यह विमान मुंबई एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने के बाद तुरंत दिल्ली की ओर डायवर्ट कर दिया गया और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। धमकी मिलने के तुरंत बाद क्रू को अलर्ट किया गया और विमान को दिल्ली में उतारा गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और विमान के सभी हिस्सों की गहन जांच की गई। इसके साथ ही यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई। एयरपोर्ट स्टाफ और दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर एयरलाइन से लोगों को अपील की कि वे सहयोग करें और किसी तरह की असत्य जानकारी न फैलाएं। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और मामले की गहन जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के हरदी क्षेत्र के महराजगंज बाजार में देवी दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन जुलूस के दौरान गोलीबारी और पथराव हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। इस हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा का पोस्टमार्टम के बाद शव उसके घर पहुंचा, जहां परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वही इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। देर रात तक प्रदर्शन और जगह जगह आगजनी होती रही। महराजगंज और मैसी इलाके के निजी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। इस घटना के बाद एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी सलमान समेत कई लोगों पर एफआईआर किया गया है। वहीं लापरवाही करने पर हरदी थाना प्रभारी और मैसी चौकी प्रभारी निलंबित कर दिए गए। 20 से 25 लोगों को हिरासत में लेने की भी खबर है। उधर दूसरी ओर पूजा कमेटी इस बात पर अड़ी रही कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, आरोपियों को फांसी देने के नारे सड़कों पर गूंज रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए कहा कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव ने सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगने की सलाह दी है। दरअसल एनसीपी अजीत नेता बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को धमकी दी है। अपुष्ट सोशल मीडिया पोस्ट में बिश्नोई गैंग ने कहा कि सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करने वालों अपना हिसाब किताब बराबर रखें और बाबा सिद्दीकी की हत्या को सलमान खान से बिश्नोई गैंग की अदालत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एनसीपी नेता की हत्या के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उनके परिवार ने बॉलीवुड सितारों से प्राइवेसी का सम्मान करने को कहा है और इस बीच बीजेपी नेता हरनाथ यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सलमान खान से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी के सीनियर नेता हरनाथ सिंह यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रिय सलमान खान काला हिंद जिसे बिश्नोई समाज देवता मानता है उसकी पूजा करता है, उसका आपने शिकार किया और उसे पका कर खा लिया जिसके कारण बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई है और उसके प्रति अब बिश्नोई समाज में लंबे समय से आक्रोश है। व्यक्ति से गलती हो जाती है, आप बड़े अभिनेता है, देश में बड़ी संख्या में लोग आपसे स्नेह करते हैं। मेरा आपको सद परामर्श है कि आपको बिश्नोई समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बड़ी गलती के लिए बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में 15 वर्ष बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और पहले वाले ठाट बाट नहीं होंगे। केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादातर अधिकार केंद्रीय प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल के पास ही रहेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार की असली चाबी उपराज्यपाल प्रशासन के पास ही रहेगी। अनुच्छेद 370 के रहते जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास असीमित शक्तियां हुआ करती थी, लेकिन अब शक्तियां सीमित ही रहेंगी। आदेशों पर अमलीजामा पहनाने के लिए भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस खासतौर से मुख्यमंत्री बनने वाले उमर अब्दुल्ला के लिए अपनी पार्टी के एजेंडे और घोषणा पत्र को लागू करवाना आसान नहीं होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद असम में एक विशेष उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव भाषा गौरव सप्ताह के नाम से जाना जाएगा और उसे 3 से 9 नवंबर 2024 के बीच मनाया जाएगा। इस उत्सव का आयोजन असमिया भाषा और इसकी सांस्कृतिक धरोहर को मनाने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में असमिया को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो असम के लोगों के लिए गर्व का विषय है। असमिया भाषा का शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलना न केवल भाषा की समृद्धि को दर्शाता है, बल्कि यह असम की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को भी उजागर करता है। असमिया भाषा के साथ साथ अब भारत की शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है और इस सूची में पहले से मान्यता प्राप्त भाषाएं जैसे तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया शामिल हैं। इसके अलावा मराठी, बंगाली, पाली और प्राकृत को भी इस सम्मान से नवाजा गया है। सदियों से एक असम में डिबेट था कि क्या असमिया भाषा बंगाली भाषा से उत्पन्न हुआ है और उसको लेके हमारा असम में कोई सारा लैंग्वेज का ऊपर आंदोलन भी हो चुका था, लेकिन कल भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट का बैठक में यह निर्णय लिया कि असमीज ऑल्सो ए क्लासिकल लैंग्वेज, बंगाली इज ऑल्सो ए क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब दोनों भाषा अलग अलग है और दोनों भाषा का पौराणिकता आप एंटीक्विटी 2000 साल तक आप ट्रेस कर सकता है। तो ये असम के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है और मेरा पॉलिटिकल लाइफ का या मेरा राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ असम वासियों का ओर से कि आपने जो असम को जो एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। असम का लोग हमेशा आपको आपको याद में रखेगा, हमेशा आपको और आपका जो कीर्ति इसके लिए असम का लोग आपको हमेशा याद रखेगा। यूपी के कानपुर में आज भीषण सड़क हादसा हो गया। पनकी भोती में ओवरब्रिज कट के पास हुई दुर्घटना में 5 लोगों की जान चली गई। रामादेवी से पनकी भोती जाने वाले हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे डंपर के पीछे चल रही कार को भी ब्रेक मारना पड़ा। दोनों वाहनों के पीछे आ रहे सरिया लदे ट्राले ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार डंपर और ट्राला के बीच आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार 4 बच्चों और चालक की मौके पर ही दर्द तक मौत हो गई। चारों बच्चे पीएसआईटी के बताए जा रहे हैं। मृतकों में प्रतीक सिंह, गरिमा, सतीश, आयुषी और चालक विजय साहू शामिल हैं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।